देखिए क्वेश्चन आपके सामने आर प्लस 64 अपॉन आर इक्वल्स टू 16 था। फाइंड करना है आर के पावर 4 प्लस 1 बाई आर के क्यूब। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें यार। यार इसको एलसीएम ले लेते हैं, बेसिक से देख लेते हैं, क्योंकि हमें तो वो ये पढ़ाया गया कि ए प्लस 1 बाई ए इक्वल्स टू, अगर ये है तो ए क्यूब प्लस 1 बाई ए का क्यूब होता है क्या, एक ए का क्यूब माइनस का 3 है, यही होता है। पर यहाँ पर तो कुछ ऐसा केस बन नहीं रहा है, तो सिंपल यहाँ इसकी एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कितना आपका आर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 64 इक्वल्स टू 16। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 64 इक्वल्स टू 16 आर। यहाँ से निकल जाएगा कि आपका आर स्क्वायर माइनस का 16 आर प्लस 64 इक्वल्स टू 0। इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी 8। आर की वैल्यू 8 आ गई, कैसे ब्रेक करेंगे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कैसे हो गया, यहाँ से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस का 8 आर माइनस का 8 आर प्लस 64 इक्वल्स टू 0 ये निकलेगा। तो ये आर इंटू आर माइनस का 8, यहाँ से माइनस का कॉमन 8 लेंगे तो ये हो जाएगा आर माइनस का 8। तो निकल के आ गया आपका आर माइनस का 8 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आर इक्वल्स टू 8 हो गया। 8 का क्यूब क्या 512, 512 इंटू 8 करेंगे तो 40, 96 सही 1/5, 512 यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था।